दीप इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन के 17 श्रमिकों को कंपनी द्वारा बाहर कर दिया गया था। सभी श्रमिक दर दर भटकने के बाद भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय पहुंचे, जहां बुधवार को उन्हें इंसाफ मिला। श्रमिकों ने बताया कि वर्षों से ईमानदारी पूर्वक दीप इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन कंपनी में कार्य कर श्रमिकों को किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जा रहा था, न ही पारिश्रमिक बढ़ाया जा रहा था। कंपनी में कार्य करने के दौरान श्रमिकों का कंपनी से समझौता भी हुआ था, लेकिन समझौता होने के बावजूद भी कंपनी प्रबंधन ने 17 श्रमिकों को दिसंबर 2022 में बाहर कंपनी से बाहर कर दिया था। साथ ही सुपरवाइजर एवं मालिक द्वारा जाति सूचक अपशब्द कहते हुए भगा दिया गया। श्रमिकों ने श्रम विभाग से लेकर सभी संबंधित विभागों को अपनी व्यथा बताई, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो पाया। अंत में समस्त श्रमिकों ने 6 मई 2023 को कार्यालय में इंजीनियरिंग श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ जिला महामंत्री महेंद्र सिंह परिहार से संपर्क कर समस्या बताते हुए आवेदन दिया। मानव अधिकार ब्यूरो के पदाधिकारियों ने श्रमिकों की समस्या को देखते हुए कंपनी प्रबंधक से मुलाकात कर समस्या बताई। 28 जून को कंपनी के अनिल मालिक के समक्ष कंपनी प्रबंधक कुलदीप शर्मा द्वारा श्रमिकों का समझौता कराया गया। सभी श्रमिक आज 29 जून से पुनः कंपनी ज्वाइन करेंगे। श्रमिकों ने खुश होकर इंजीनियरिंग श्रमिक संगठन महेंद्र परिहार का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत कर आभार माना। बताइए, आज सब यहाँ पर एकत्रित हुए, क्या मामला है? सर, हम सभी लोग दीप इंजीनियरिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिक हैं। दीप इंजीनियरिंग, जो कि कई महीनों से हम लोगों का आपसी विवाद चल रहा था, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह परिहार जी, मानव अधिकार ब्यूरो से संभाग अध्यक्ष संदीप उपाध्याय जी और हमारे नगर अध्यक्ष विशाल दुजेवार जी, इनके सभी के सहयोग से हम सभी लोगों का जो विवाद चल रहा था, जो मतभेद चल रहे थे, वो सभी आज खत्म हो चुके हैं। और कंपनी प्रबंधक का भी धन्यवाद, जिन्होंने हमारे जो तकलीफें थी, हमारी तकलीफें सुनी, हमारी बातें रखी। हम उनको भी दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। और मजदूर संघ और मानव अधिकार ब्यूरो का जो भी अधिकारी हमारे सभी, उनको सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। सभी श्रमिकों को धन्यवाद कहना चाहते हैं। कुल कितने श्रमिक थे, कब से परेशान हो रहे थे? सर, हम 17 श्रमिक थे और हम लोग दिसंबर 2022 से परेशान हो रहे थे। किस लिए आपको बाहर निकाल दिया था? जी सर, हम लोगों ने जो हमारी अधिकार है, हमने हमारा अधिकार मांगा था, तो कंपनी प्रबंधक ने हम लोगों को बाहर कर दिया था। और वही सभी विवाद खत्म होते हुए हम लोगों का फिर से उन्होंने ज्वाइनिंग दे दिए कि आप लोग ड्यूटी आइए, फिर से आपका सभी विवाद खत्म कर। अब किस प्रकार का समझौता हुआ आपका? सर, समझौता हम लोगों का इस प्रकार हुआ है कि जैसे कि जो हमारी सैलरी थी, सैलरी में उन्होंने कुछ बढ़ोतरी की है, बहुत बढ़िया, मतलब सभी कुछ बहुत अच्छा हुआ है, हम लोग संतुष्ट हैं। कब से आप ज्वाइनिंग करेंगे सभी? सर, हम लोग कल से ही ज्वाइनिंग करने वाले हैं। ठीक है, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम भारत डाबी है, मैं दीप इंजीनियरिंग का ऑपरेटर पद पर कार्यरत हूँ। इंजीनियरिंग श्रमिक संगठन का इकाई मंत्री हूँ। ठीक,